बाद में फोर्थ ग्रेजुएशन एमपीडी के लिए राउंड भी किया। उसके बाद में एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी फील्ड में फॉर्म में एग्रीकल्चर कंसल्टेंट रहा। 10 साल मैंने बहुत सारे एग्रीकल्चर अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ वर्ल्ड बैंक के। इंटर्नशिप नया प्रोग्राम में चालू किया है। तो 2500 प्लस एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। वी आर कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन इन यूएसए, डेनमार्क एंड नेदरलैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंटर्नशिप। ये हमारा शॉर्ट में आपको परिचय दिया हमारे सर के यहाँ से थोड़ा सा आगे चले चुका है, थोड़ा सा प्रिपरेशन। उससे मैं ढाई बार
तब से हमारा रिलेशनशिप है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मुरादाबाद में एक ऐसा सेंटर है जो ऑल इंडिया लेवल का सेंटर है, जहाँ के स्टूडेंट अपने स्टार्टअप से सबको, अपने समाज को, खुद अपने आप को भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बेसिकली जो मेन एम्फेसिस है हमारा, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप लोग डिस्कस कर रहे हैं इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज फॉर द एग्रीकल्चर ग्रेड स्टूडेंट्स, दोस वो आर इन फाइनल ईयर, होगी पास आउट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ओके, एंड क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या आप लोगों को करना है, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या जो सरकार डाउनलोड प्रोडक्ट्स जो सभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करना होगा, तो इतने से टाइम की सिचुएशन, तो इसमें किस किस का रोल कितना होगा, इसके बारे में सर हम पूरा डिटेल बताएंगे। आई रिक्वेस्ट हैंसन टू डिस्कस विद यू ऑल अबाउट द मेंशन टॉपिक दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इन फॉरेन कंट्रीज। ओके, वेलकम सर। मैंने देखा जो हमारे रिक्वेस्ट को मानते हुए पूना से यहां आए हैं और आपने विशेष रूप से सुना, और अभी भी कोई डाउट है तो